और कोई कह रहा था कि आप नए घर में अभी तक आप दिखे नहीं हो, ना आपने नया घर दिखाया अपना। तो दोस्तों हमारे चाउमीन बन के हो चुके हैं तैयार। पापा का एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो, वीडियो में आ रही हूँ आपकी। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दीदी के घर से, और वो भी हमारी मैक्रोनी, फेमस मैक्रोनी के साथ, जो कि बन रही है स्पेशली पर्व के लिए। पर्व आपके लिए बन रही है, पर हेलो तो कर दो। आपके लिए स्पेशली मैक्रोनी बना रहे हैं हम, डिमांडिंग बॉय। सो लेट्स स्टार्ट। जिन्हें मैक्रोनी कर दी है बॉय, मेरा मक्खन एंड लेट्स स्टार्ट। दीदी चाकू लो। हमारी मैक्रोनी बनके हो चुकी है तैयार पर के लिए। पता नहीं इसको कैसे लगने वाली है। दीदी हम मास्टर शेफ ने बनाई है, अब पता नहीं पर बता रहा है। मुझे दीदी के हाथ की बहुत पसंद है। खैर आंटी बोलता है वो। हाँ ये मुझे आंटी बोलता है, और भी टीज करने के लिए जान के बोलता है मुझे। खा लेगा पत्नी? पर शहनशाह के लिए मैक्रोनी आ रही है। भाई रिव्यू बहुत जरूरी है, पर बिस्ती करेगा बन गया हमने मेरी। कितने उससे वो कर रहा है ऐसे, अच्छा है कि नहीं बताएगा। गजब बेइज्जती है, काम करता है ना? सच में अच्छा लगा पर, अच्छा है ऐसे जान कर रहे हो? अरे मजाक, इतना बड़ा मजाक दिल पे लगा सीधा मेरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ वही 4:30 के अराउंड, और अभी 4:30 होने वाले हैं मतलब। तो आज है 5 जनवरी और आज है हमारे पिताश्री का जन्मदिन। सो आज स्पेशल है ये कि आज हम बना रहे हैं घर में होम मेड चाउमीन। यस, तो हम बना रहे हैं नूडल्स और पापा बनाएंगे मतलब, और हमने बॉयल कर दिए हैं। फिलहाल मैं अभी आ रही हूँ दीदी के घर से, तो उनके बेटे को मेरे हाथ की मैक्रोनी अच्छी लगती है, तो मतलब मैक्रोनी तो मेरी, मुझे लगता है मैं वर्ल्ड में फेमस कर दूँगी। सिंपल सा तरीका है बट टेस्ट में अच्छी लगती है। तो बट मैंने इसको ऑन कैमरा उसका रिएक्शन लिया, और वो जान की इतनी शरारत कर रहा था, इतनी शरारत कर रहा था ना कि बोलता भी है वो कि मैं अपनी वीडियो में ऐसे से बोल दूँगा। तो इसलिए बाकी उसने सारा चट कर दिया था खा के, और अपनी मम्मी से भी बोलता है कि जैसे वहाँ उनके घर में बनता है वैसे ही बनाओ। तो दीदी ने बुलाया था कि मेरे को एक बारी थोड़ा बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं खुद बनाऊंगी। सो दैट्स व्हाई मैं गई थी वहाँ पर, और अभी आ रही हूँ वहाँ से, और हमने यहाँ पे किए नूडल्स बॉयल। तो बस थोड़े टाइम में उनको बनाएंगे और खाएंगे, और आज शाम को करेंगे थोड़ा छोटू सा बर्थडे सेलिब्रेट। हियर्स माय मॉम एंड आप पूरे वो लग रहे हो सन ऑफ सरदार। और ये हमने बॉयल करने हमारे चाउमीन बहुत सारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, एंड मैं आ रही हूँ फिर से इस व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। शाम की रात ही हो चुकी है वैसे, और टाइम हो रहा है 7:45, 7:45 हो रहे हैं, और तो अभी तो बस आज ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मम्मी कह रहे हैं कि कल ज़्यादा थी पर मुझे आज ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, और मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। और आज पापा का बर्थडे भी है, एंड आई हैव सो मैनी बलून्स टू ब्लो अप, सो मैनी कलरफुल बलून्स। तो ये पड़े हुए थे, मैं बाहर नहीं गई, और बस ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। बट फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस कि सेलिब्रेशन छोटा है या बड़ा, ठीक है? तो मोमेंट जो है वैसे भी स्पेशल हम बना सकते हैं, चाहे वो आप सिंपल तरीके से बनाए, चाहे फिर आप हजारों लाखों रुपए खर्च करो, बस मोमेंट स्पेशल होना चाहिए अपनों के साथ। सो वही हम करेंगे। और हाँ यस, फादर को विशेष तो बनती है भाई, और हैप्पी बर्थडे बॉब्सी। यू नो दोस्तों, इतनी ना लड़ाई मुझे लगता है भाई बहन में नहीं होती है जितनी मेरे और पापा के बीच में होती है लड़ाई। वैसे हैरानी की बात है ना, नहीं तो क्या होता है कि गर्ल्स की मैंने देखा है मोस्टली केस में पापा के साथ ज़्यादा वो रहती है, और बॉयज़ की मम्मी के साथ। लेकिन मेरा और पापा को तो एकदम रहता है ना जैसे टॉम एंड जेरी वाला हिसाब है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और
मतलब है दोनों का ऐसा है कि लड़ाई भी होती है और अगर कुछ हो जाए लाइक एक दूसरे को तो हम मन ही मन बड़े वो भी हो जाते हैं परेशान से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इज ही ऑल राइट, और पापा की तरफ से इज शी ऑल राइट, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही. सो नेवर माइंड, फैमिली है, फैमिली में बहुत कुछ होता रहता है एंड दैट्स फैमिली. लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है, और यही तो फैमिली है कि लड़के भी हम लोग साथ ही होते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें बाहर वालों के साथ हो जाए या फिर किसी और रिश्ते में हो जाए तो वहाँ तो मतलब दरार वाला हिस्सा हो जाता है ना, बट अपनों के साथ ये चीज़ नहीं होती है. एंड गाइज, वैसे मैं हर बात की बात बोलती हूँ लेकिन फिर भी जो मेरे से एज में छोटे होंगे या फिर मेरे बराबर होंगे कुछ लोग, तो उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि पेरेंट्स के लिए आप करो जो भी आपसे पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर कैसी भी किसी भी प्रकार से आप उनकी फिकर या केयर और थोड़ा सा पे ऑफ अटेंशन एंड वैल्यू उनको दो, प्रायोरिटी दो, क्योंकि पेरेंट्स जैसे दुनिया में कोई भी नहीं मिलता. चाहे आप कितना भी कमा लो, लाखों करोड़ों, पर माँ बाप जैसा तो कहीं भी दुनिया में दूसरा नहीं मिलता. और अपने फैमिली लाइक अगर हम बाहर जाते हैं कितना भी कमा लें पर वो सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ में कोई पूछने वाला नहीं होता है कि हमने खाना खाया या नहीं खाया, और किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम भूखे सोए आए. लेकिन एक हमारी फैमिली ऐसी होती है और हमारे पेरेंट्स फैमिली एक ऐसी होती है कि उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे हम कितनी भी लड़ाई कर लें, बट हम कितनी भी गलतियां कर लें, और अगर अगले ही पल हम उन्हें सॉरी बोल दें या फिर सॉरी नहीं भी बोले ना, तब भी वो हमारी फिक्र करना नहीं छोड़ते हैं और हमसे प्यार करना नहीं छोड़ते हैं. सो हमेशा अपनी फैमिली को वैल्यू दो. सो बस अभी मैं ना ज़्यादा हो गया शायद लेक्चर, नहीं वैसे आप बोल रहे थे उस दिन बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मुझे सुन के ना अच्छा लगा कि आपने बोला कि नहीं आप जैसी हो हमें वैसी ही पसंद हो, दैट्स वाई हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपका आपका बोलना आपकी बातें करना हमें पसंद है. तो मुझे ना बहुत खुशी हुई थी उन कमेंट्स को पढ़ के, चाहे वो आप 4-5 ही कमेंट्स करते हो ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करती हूँ. आप मान नहीं सकते हो कि आपके कमेंट्स मुझे कितनी खुशी देते हैं दोस्तों, और मेरी मम्मी भी कमेंट्स पढ़ते हैं इवन, तो मुझे बहुत खुशी हुई इसको पढ़ के. और अभी बस मैं बलून्स फुलाऊंगी एंड आपको बता देना नूडल्स बनाने हैं वो बनेंगे, अभी तक बनाए नहीं है, और बस केक छोटा सा कट करूंगी. और बाकी बने रहना व्लॉग में दोस्तों, चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर और भी हो सके तो अपने दोस्तों या फैमिलीज के साथ शेयर भी करना मेरे वीडियो को. सो आपके वहाँ भी कितना ठंडा हो रहा है वैसे, आई थिंक सब जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, चंडीगढ़ में यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वैसे, पर थोड़े दिनों की बात है फिर तो नॉर्मल हो जाएगा. एंड आई हेट समर, मुझे ना वो मई के बाद वाली गर्मी बहुत गंदी लगती है, मई टू जो अगस्त सेप्टेम्बर तक का टाइम रहता है चिपचिप वाला ना. तो बस अभी मैं बलून्स फुलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है दोस्तों, बने रहना कहीं मत जाना. तो दोस्तों हमारे चाउमीन बनके हो चुकी है तैयार, और वैसे बने तो अच्छे हैं, पापा ने बनाए, पर इसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई मम्मी से कि ओवर बॉइल्ड हो गए हैं, तो ये ना थोड़े से ऐसे हल्के हल्के टूट गए हैं, मतलब ये लंबे होते हैं ना तो ये अब टूट रहे हैं मतलब छोटे हो गए, पर ना बड़े बड़े होते ना, समझ रहे हो. हाँ हाँ, वैसे वेजीज हमने खूब सारी डाली है और मैं खा लूँगी बाद में, तो एक दीदी के लिए देंगे और एक हम खाएंगे. और यहाँ पर मम्मी बनाए हुए हैं रोटी जो कि दादाजी के हुए हैं, दादाजी को ले लेती हूँ. यस, आगे कारी बहू. ये लो. अरे इसमें ना एक छोटा सा गलती पता क्या हो गई है, ये ना मम्मी ने ओवर बॉइल्ड कर दिए तो थोड़े से टूट गए हैं, टेस्ट में तो ठीक है, बताना आप. एंजॉय पॉप्स की पार्टी. तो दोस्तों नूडल्स मैं देके आ गई हूँ और थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई कि वो ओवर बॉइल्ड हो गए, बट इट्स ओके, टेस्ट किया था मैंने, काफ़ी अच्छा है टेस्ट में. तो आपको बताऊँ मैं कि मेरे जो मम्मी पापा है ना दोनों, उनको काफ़ी अच्छी कुकिंग करने आती है. सो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता कि मैं उनका बनाया हुआ खाना आप लोगों को टेस्ट करा पाती तो मैं ज़रूर करवाती, बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ हमारे रिलेटिव्स, उनको पता ही है कि बोथ आर सो गुड इन कुकिंग, लाइक काफ़ी कुछ आता है उनको बनाना, और काश वो गुण थोड़े मेरे अंदर भी चले जाएँ, काफ़ी अच्छा बनाते हैं खाना. सो अब करती हूँ यहाँ पे बलून्स को फुलाने की तैयारी. एंड यस गाइज, आप लोग भी ना विशेज़ भेजना मेरे
पापा के लिए बर्थडे विशेस। और पिछले वाले व्लॉग में तो एक दो ने किया भी था विश, मेरे फादर इन लॉ का जो बर्थडे था उसके लिए भेजी थी कि उन्होंने हैप्पी बर्थडे अंकल जी करके, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने विशेस भेजी। और सूरज मेरा भाई अगर व्लॉग देखेगा तो उसको बड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मोमेंट होता है तो उसकी बड़ी याद आती है। आई विश कि वो भी हमारे साथ ऐसे मोमेंट्स, काश हम मिलके सेलिब्रेट कर पाते, बट क्या कर सकते हैं, ब्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही है आर्मी लाइफ का सैड पार्ट कि हम अच्छे मोमेंट्स पे अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है इस टाइम पे। एंड हाँ, किसी ने ना मुझसे पूछा था कि मैं ये स्कार्फ कैसे टाई करती हूँ, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं स्कार्फ कैसे बांधती हूँ, क्योंकि वर्षा है शायद, वो काफ़ी कमेंट्स करते हैं मेरे को। तो देखो, ये रहा मेरा स्कार्फ, और इसको ऐसे फोल्ड किया पहले ऐसे ट्राइंगल शेप में, और ये रहा बस कुछ नहीं, ये पकड़ के ऐसे जो बचा हुआ पार्ट है वो तो आ गया ऐसे ऊपर, और ये वाला मैंने बांध दिया नीचे की साइड लाइक दिस, बन गया। हाँ, ऐसे ऐसे बांधती हूँ अपना स्कार्फ, बहुत सिंपल है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, और मुझे ये बड़ा सही लगता है ये। और एक और दिखाती हूँ, नहीं तो अगर मैं ये स्कार्फ नहीं बांधती ना तो मुझे ये वाली कैप सही लगती है पहनना, ये वाली, इसको, ये भी, वरना मुझे टोपी पहन के पता कैसा लगता है, ऐसे जब मैं कैप पहन लेती हूँ अजीब सा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ बड़ा होता है, मेरे को ऐसा लगता है क्या है, ऐसे ऐसे करती रहती हूँ मैं, तो मुझे स्कार्फ और ये ठीक लगता है। नहीं, मैं बातें कर रही हूँ, मैं बलून्स नहीं फुला रही हूँ, कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा बर्थडे वाला फील बस पापा को देने के लिए। गाइस, हमने फुला दिए हैं बहुत सारे बलून, कैसे दिखाऊं आपको, बहुत सारे यहाँ पे, सो मैनी बलून्स। तो और हम खा रहे हैं अपने नूडल्स, खा लिए मम्मी मम्मी नूडल्स कैसे छोड़ सकते हैं, विषय टेस्ट बहुत अच्छा है, बस एक गलती हो गई आज, मम्मी ने इसको रखा बॉईल करने के लिए और चले गए हेड वॉश करने, मुझे भी पता था, मैं छत पे थी शायद, तो इतनी देर में वो थोड़े ज़्यादा हो गए, अदरवाइज टेस्ट इज सो गुड। और हमने तो खाए हैं बहुत, बनाते हैं पापा, दीदी को था कि टेस्ट करना है, मतलब क्योंकि पर जो उनका बेटा है उनको, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है नूडल्स, तो हमने कहा चलो आज मौका है बनाते हैं। अच्छा है, टेस्ट तो अच्छा हो रहा है, और बाहर ऐसे नूडल्स मिलते भी नहीं है, जो बाहर मार्केट में आते हैं वो सब्जियां बहुत कम डालते हैं, नूडल्स का मतलब था मतलब फुल ऑफ फुल लोडेड वेजीज हो, मुझे तो तभी अच्छी लगती है, जिसमें काफी कुछ ज्यादा बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट और अपना प्याज सब, हाँ कैप्सिकम, फिर बलून भी लगाने, अच्छा लगता है ना सब, तुम भी बोल दो, हमें खेलेंगे पापा, तुम भी बोल दो क्या, हैप्पी बर्थडे हबी बाबू सोना, क्या बोलना, मुझे ना हैप्पी बर्थडे हबी, ये गलती है, सूरज बोला हबी का बर्थडे, सूरज को कॉल आया था, मेरा भाई को कॉल आया था, वो मम्मी को कह रहा हबी का बर्थडे है, ये मम्मी आपके हबी का बर्थडे है, क्या गिफ्ट कर रहे हो अपने हबी को, क्योंकि आजकल हबी ट्रेंड में है ना, हबी वर्ड, मन में 50 लड्डू फूट रहे हैं पापा के, दीदी की तरफ, दीदी की भी मैं हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या कहो, हैप्पी हबी हबी हबीबी,
दीदी इतनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रही है. सो हैज द बर्थडे केक फॉर पॉप्सी एंड अ स्मॉल डेकोरेशन पार्ट. कर लो ब्लो फुल करो. अरे पहले ब्लो करते हैं कैंडल तो फुल को. झगड़ा लू पापा ले गिफ्ट गिफ्ट मैटर नहीं करता यार ठीक है ना बिल्कुल भी नहीं. अगली लड़ाई हम जल्द लड़ेंगे. पैर आगे मुंह नंगे पैर. पापा का बर्थडे पापा के पापा. ओह माय गॉड खाए तुमने फोटो खा दिया. हां ये खिला दो. हां ये खिलाओ तो गुलाब जैसे दिया अपना. गुलाब खिला दो. आप ही खिला दो. मैं तो वीडियो बना रही हूं आप लोगों की. क्या बात है. हाय कार्ड मत. क्या बात है. बन गया. नहीं हम भल नहीं हम अच्छा नहीं हो रहा है. खिलाओ. इतना थोड़ा खाओगे पापा. लाडला कन्हैया मेरा एक ही का पांच ही पचास जुड़ना फुलना राजे. और पापा का पापा का एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो. वीडियो में आ रही हूँ आपकी. इतना खुश तो हम भी नहीं होते हमने बर्थडे के लिए. बस करो बाबा. हाँ चलो दीदी का आप क्या हंस रहे हो खुद ही क्या हरकत. बस बाबा बस ये देखो हो गया बर्थडे. मम्मी अपनी हरकतों पे आ गई. तो दोस्तों बर्थडे बन चुका है. डिनर भी हो गया और अब है सोने की तैयारी. मम्मी को खतरनाक नींद आई है. तो मैंने सोचा सोने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि मेरा काफ़ी दिनों पहले ही वो लिपन आर्ट कंप्लीट हो गया था लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं था तो कि कैसा बना है वो. तो आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले दिखाती हूँ वो वाला डिज़ाइन जो कि भाई ने बोला था सबसे पहले मुझे बनाने के लिए. उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो उसने बोला था कि ये वाला डिज़ाइन बना. तो सेम मैंने वो चीज़ बनाई आपको दिखाते हैं. ये रहा उल्टा दिख रहा है यहाँ से. तो ये सारा क्ले से बना हुआ है. ये लोटस भी ये लीव्स ये पैर और हाथ और ये शिव जी एंड पार्वती का मैंने इसको डिपिक्ट किया. शिव शक्ति लिखा है इसके ऊपर. आपको मैं दूसरी शॉर्ट्स भी उनकी दिखाऊंगी. सो इससे एक मैसेज भी मिलता है कि जिस हिसाब से भगवान भी अपनी जो पार्टनर है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें भी अपने घर की जो गृह लक्ष्मी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और इनफैक्ट एवरी वुमेन जो भी है हमें उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए. सो ये उसको दर्शाते हुए ये बना है. एंड जो सेकंड डिज़ाइन है वो मम्मी की चॉइस पे था. मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मम्मी ने बोला था मुझे वो बनाने के लिए. और मम्मी दिखाएंगे. ये मेरा कान्हा. तो मम्मी को था कि मैं कान्हा और वो बनाऊँ मतलब यशोदा मैया. तो मैंने वो बनाया है ये देख सकते हो आप. ये भी सारा क्ले से बनाया है और इसको बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी. इसको मैं रात को बहुत देर देर दो दो बजे तक बैठ के बनाती थी जब मैंने ये बनाया था. और ये सारा जो इनके फेस के फीचर्स हैं और ये सब कुछ मतलब हैंडमेड है टोटली. तो ये बनाया. सो ये तो सिंपल से आपको पता लग गया है कि कृष्णा जी को डिपिक्ट किया गया है. सो ये है. और थर्ड डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो सिंपल बेसिक सा रखा है लिपन आर्ट का. तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. वो थोड़ा बहुत पहले आपने देखा भी था. सो वो है ये सिंपल एंड एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. सो ये बनाया है मैंने और ये भी सारा टोटली हैंडमेड है. सो अब देखते हैं यहाँ पे लगाती हूँ. यहाँ पे भी अगर हो सके तो मैं लगा दूंगी इसको.
नहीं तो अपने नए घर में लगाएंगे। और अभी तो हम रेंट वाले घर में हैं, और कोई पूछ भी रहा था मुझसे कि हम अपने घर में क्यों नहीं गए, तो मैंने शायद पहले भी तो बताया था उनको कि जॉब की वजह से हम यहाँ पे हैं और रेंट पे हैं अभी, तो जो हमारा घर है ऐसे थोड़ी दूर है। और कोई कह रहा था कि आप नए घर में अभी तक आप दिखे नहीं हो, ना आपने नया घर दिखाया अपना, तो नए घर में इसलिए हम नहीं गए क्योंकि यहाँ पे हमारी जॉब की वजह से हम यहाँ पे थे, और वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, आधा घंटा कुछ लगता है वहाँ पे, शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर में हो जाएंगे हम। सो डिज़ाइन आपको दिखाना था, और इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, मम्मी मजबूरी में बैठी हुई तबसे लगी है मम्मी बंद कर ना मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं सो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। बेटा जान ले आओ शरीर में। वीडियो पे हो सके तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड टिल देन बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर, उधर देख के बोलो टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। ठीक कर रही हूं, बाय गाइस, ऐसा करना चाह रही थी मेरी मम्मी से। बाय बाय।